नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल लॉ इजी में। और इस YouTube चैनल में हम कानून को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। इसी कड़ी में आज हम समझने वाले हैं मीडिएशन एंड कंसीलिएशन। हम सभी लोगों ने ये शब्द सुने हैं, मीडिएशन जिसे हम मध्यस्थता कहते हैं और कंसीलिएशन जिसे हम सुलह अथवा समझौता कहते हैं। अनेक जगहों पर आजकल आपने देखा होगा कंसीलिएशन प्रोसेस चलती है या मीडिएशन प्रोसेस चलती है। न्यायालय द्वारा भी आजकल इसको बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। न्यायालय द्वारा भी इसकी ओर न्यायालय का भी झुकाव हमें देखने को मिलता है। या किसी भी पुलिस थाने में भी आप देखिए, आजकल पुलिस थानों में भी एक परामर्श कक्ष वगैरह बना दिया गया है, कंसीलिएशन रूम बना दिए गए हैं। फैमिली कोर्ट में भी यानी परिवार न्यायालयों में भी आपको कंसीलिएशन रूम देखने को मिलते हैं। और मीडिएशन भी एक प्रोसेस होती है और कंसीलिएशन भी एक प्रोसेस होती है। और इन दोनों प्रोसेस में होते दोनों का उद्देश्य सेम है, दोनों का उद्देश्य विवादों का निराकरण करना, लेकिन फिर भी दोनों में एक अंतर होता है। तो मीडिएशन और कंसीलिएशन के में क्या अंतर होता है, मीडिएशन प्रोसेस क्या होती है, कंसीलिएशन प्रोसेस क्या होती है और इनका उद्देश्य क्या होता है, आज के इस लेक्चर में हम लोग ये सारी बातें कवर करने वाले हैं। सो टुडेज टॉपिक इज मीडिएशन एंड कंसीलिएशन। तो आज का विषय है मध्यस्थता और सुलह। अभी मध्यस्थता और सुलह जो है दोनों ही विवाद को निपटाने की एक प्रणाली है। जिस प्रकार विवादों को निपटारा करने के लिए न्यायालयों की स्थापना की गई है, उसी प्रकार विवादों के निपटारा करने के लिए कुछ अन्य प्रोसेस भी, अन्य प्रक्रियाएं भी हैं, जिसको वर्तमान में बहुत अधिक उन पर भी ध्यान दिया जा रहा है। ऐसा क्यों हुआ है, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि सोसाइटी में वी आर लिविंग इन द सोसाइटी, हम सभी लोग समाज में रहते हैं और इस समाज में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते रहते हैं। ट्रांजेक्शन का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के संव्यवहार होते रहते हैं। संव्यवहार का मतलब जैसे आपसी लेन देन होता है, आपसी बातचीत होती है। तो व्यवहार संव्यवहार अनेक अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे सामाजिक संव्यवहार। जैसे मान लीजिए कि दो परिवार आपस में विवाह कर रहे हैं, विवाह हो रहा है आपस में, तो विवाह एक सामाजिक संव्यवहार होता है। तो विवाह जहां हुआ, आगे चल के हो सकता है डिस्प्यूट्स अराइज हो, तो डाइवोर्स वाला जो बिंदु है ये विवाद हो गया। तो इस प्रकार सामाजिक संव्यवहार भी होता है, राजनीतिक संव्यवहार, मतलब यदि कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, इलेक्शन लड़ रहा है, चुनाव के प्रोसेस हो रहे हैं, तो ये राजनीतिक संव्यवहार कहलाएगा। इकोनॉमिक लेन देन, यदि हम खरीद बेच रहे हैं, कुछ उधार ले रहे हैं, तो ये सब इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होते हैं। तो प्रत्येक समाज में बहुत सारे संव्यवहार होते हैं, मतलब आपसी लेन देन होते रहते हैं और इन लेन देनों की वजह से विवाद की संभावना बनी रहती है। यानी मतभेद हुआ कि विवाद हुआ। तो समाज में जब आपस में मतभेद होते हैं तो ये मतभेद बड़े होकर विवाद का रूप ले लेते हैं और इन्हीं विवादों को निपटारा करने के लिए, इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए हमारे देश में कोर्ट्स की स्थापना की गई, यानी न्यायालयों की स्थापना की गई। तो न्यायालय का मुख्य काम होता है लोगों के विवादों को निपटाना, संस्थाओं के विवादों को निपटाना, डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना। अब देख रहे हैं कि डिस्प्यूट्स बढ़ते जा रहे हैं, बर्डन ऑन दी कोर्ट्स, कोर्ट्स के ऊपर बर्डन बढ़ता जा रहा है, यानी न्यायालय के ऊपर बोझ बढ़ता जा रहा है। आज लगभग 4.5 करोड़ केस हमारे देश में पेंडिंग है न्यायपालिका पर। तो इस प्रकार विवादों का जो बढ़ना है, इसका परिणाम ये हो रहा है कि पेंडेंसी बढ़ती जा रही है। पेंडेंसी मतलब लोगों का, मतलब जो केस का जो लंबित वाद है वो बढ़ते जा रहे हैं और लोगों का फेथ कम होता जा रहा है, यानी जुडिशरी पर लोगों का फेथ यानी विश्वास कम होता जा रहा है, जुडिशरी पर लोगों की आस्था कम होती जा रही है। ऐसी स्थिति में ADRS एक नया फॉर्म है, एक विवादों को निपटारा करने के लिए ADRS प्रणाली का जन्म हुआ। इस ADRS को कहा जाता है अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम। अल्टरनेट यानी वैकल्पिक, डिस्प्यूट यानी विवाद, रिजोल्व यानी निराकरण, एस सिस्टम यानी प्रणाली। तो इसका मतलब होता है वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली, ADRS। तो ADRS कॉन्सेप्ट जो होता है, इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग पैरेलल रूप बताए गए हैं, एक समानांतर व्यवस्थाएं बताई गई है कि जो व्यक्ति न्यायालय में न जाकर दूसरी जगहों पर भी जाता है तो वहां भी अगर न्याय दिया जाएगा तो उसको भी मान्यता कानून ने दे दी है। जैसे हम सभी लोगों ने आर्बिट्रेशन शब्द सुना है, मध्यस्थता। तो आर्बिट्रेशन जो होता है ये इसी का एक प्रोसेस होता है। लोक अदालत हम सभी लोगों ने सुना है, लोक अदालत भी इसी का ही रूप है। और आज जो हम दो रूप पढ़ने वाले हैं वो है मीडिएशन एंड कंसीलिएशन। तो आज मीडिएशन कंसीलिएशन को हम कवर करेंगे। जैसे आप देखें फैमिली के जो डिस्प्यूट्स होते हैं या सिविल के जो मामले होते हैं, लेन देन के जो मामले होते हैं, प्रॉपर्टी सिविल के जो मुकदमे होते हैं, उन सबके लिए आजकल ADRS की ओर भरोसा बढ़ता जा रहा है। आज जो हम बात करने वाले हैं मीडिएशन और कंसीलिएशन की, तो ये मीडिएशन कंसीलिएशन आपको फैमिली कोर्ट्स में यानी परिवार के जितने भी कुटुंब न्यायालय या परिवार न्यायालय वहां देखने को मिलेगा। आजकल हर पुलिस स्टेशन में भी, महिला पुलिस थाने में भी परामर्श कक्ष बनाए गए हैं जहां पे मीडिएशन कंसीलिएशन होता है पार्टीज के बीच में। कोर्ट रूम्स के अंदर भी, आजकल न्यायालय के अंदर भी, यानी जिला कोर्ट में या
यदि आप हाई कोर्ट में भी देखेंगे तो वहां भी मीडिएशन कक्ष बनाए गए हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज में कंसीलिएशन की प्रोसेस चलती रहती है, या किसी मार्केट में भी कंसीलिएशन की प्रोसेस चलती रहती है। तो ये आजकल मीडिएशन कंसीलिएशन को मान्यता प्राप्त हो चुकी है। अब हम देखते हैं दोनों में एक सिमिलरिटी है कि दोनों डिस्प्यूट को सेटल करेंगे, द बोथ यानी मीडिएशन और कंसीलिएशन दोनों डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे आउटसाइड कोर्ट। इनका मुख्य काम होता है न्यायालय के बाहर मामलों को निपटा देना, न्यायालय जाने की जगह यानी विदाउट लिटिगेशन, यानी केस नहीं हुआ पहले ही मामला निपटा दिया गया। इसमें इनफॉर्मल प्रोसेस होती है, जैसे न्यायालय में पूरी फॉर्मल होती है, फॉर्मल का मतलब होता है फॉर्मेलिटीज ज्यादा होती है, लेकिन मीडिएशन कंसीलिएशन में इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक रूप से मामला निपटाया जाता है, ज्यादा फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होती है, नो कॉस्टली है, ज्यादा कॉस्टली नहीं होती है, चूंकि फॉर्मल नहीं होती है तो महंगी प्रोसेस नहीं होती है, लेस फॉर्मेलिटीज में औपचारिकताओं की कमी रहती है और इसलिए स्पीडी भी रहती है, स्पीडी मतलब शीघ्रता से भी इसमें निराकरण हो जाते हैं। अब हम समझते हैं मीडिएशन और कंसीलिएशन में अंतर क्या है, देयर इज वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस। कई लोग मीडिएशन कंसीलिएशन को एक ही बात समझते हैं लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अब हम डिफरेंस देखते हैं मीडिएशन को जिसको मध्यस्थता कहते हैं और कंसीलिएशन को सुलह अथवा समझौता कहा जाता है। अब मीडिएशन में थर्ड पार्टी, दोनों में थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन ये जो तीसरा पक्ष है यहां पर तीसरा पक्ष असिस्ट करता है, असिस्ट मतलब मीडिएशन में विवाद को निपटारा करने में सहायता देता है। जैसे ए और बी के बीच में विवाद है और सी एक तीसरा व्यक्ति है, तो सी ए और बी के बीच में आपस में मधुरता लाने की कोशिश करेगा, दोनों में एनिमिटी यानी शत्रुता को कम करने का प्रयास करेगा, तो ये इसकी असिस्ट करता है। लेकिन कंसीलिएशन में एक एक्सपर्ट व्यक्ति बैठता है जो उस चीज का एक्सपर्ट है, माहिर है, यानी इसका रोल कंसीलिएशन में कंसीलिएटर यानी समझौता अधिकारी का रोल मीडिएशन से ज्यादा होता है। दूसरा, इसके ऊपर जो कानून एप्लीकेबल होता है वो सीपीसी एप्लीकेबल होता है। सीपीसी हमारे देश का सिविल प्रोसीजर कोड जिसे हम कहते हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, लेकिन इसके ऊपर आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996 एप्लीकेबल हो जाता है। यानी कंसीलिएशन प्रोसेस चलेगी तो आर्बिट्रेशन एक्ट लगेगा, और यदि मीडिएशन प्रोसेस चल रही है तो सीपीसी हमारे देश का जो सिविल कानून है वो एप्लीकेबल होगा। तीसरा रोल यानी भूमिका। अब ये जो यहां पर जो मीडिएटर है, मीडिएटर की भूमिका फैसिलिटेटर की होती है। फैसिलिटेटर मतलब फैसिलिटेट करना, मतलब सुविधा उत्पन्न करना, दोनों की बातचीत का एक प्लेटफॉर्म तैयार करना, एक अच्छा वातावरण तैयार करना ताकि विवाद कम हो, तो ये फैसिलिटेटर की भूमिका में रहता है। लेकिन यहाँ जो कंसिलिएटर होता है ये इवेल्युएटर की भी भूमिका में रहता है, ये मूल्यांकन फैसिलिटेट तो करता ही है, साथ ही साथ ये भी देखता है कि गलती किसकी है, यानी ये इवेल्युएटर की भूमिका में भी रहता है। यहां पर ये इवेल्युएटर की भूमिका में नहीं है, मूल्यांकन करता नहीं है, ये सिर्फ फैसिलिटेट करेगा, दोनों के बीच में विवादों को सॉल्व करने का प्रयास करने की कोशिश करेगा। ये तो करता ही करता है, साथ ही साथ ये भी देखता है कि दोनों पार्टीज में से कौन रॉन्ग है, किसकी गलती है। अब तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे देखिए कंक्लूजन। जब कंक्लूजन यानी जब पूरा मामला निपट जाता है तो एग्रीमेंट हो जाता है, मीडिएशन में एग्रीमेंट यानी करार कर दिया जाता है। लेकिन यहां करार ना बोलते हुए इसको सेटलमेंट बोलते हैं। ये सेटलमेंट होता है, एक प्रकार से करार से ऊपर होता है, निर्णय से नीचे होता है, तो इसको सेटलमेंट कहा जाता है। और फिर एग्जीक्यूशन, अब यदि व्यक्ति फिर भी नहीं मानता है तो इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, जैसे कॉन्ट्रैक्ट की जो डिक्रीज होती है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करते हैं, वैसे मीडिएशन की बातों को इन्फोर्स करवाया जा सकता है कानून के माध्यम से। लेकिन यहां तो ये यदि कंसीलिएशन में सेटलमेंट हो गया है तो ऐसी स्थिति में फिर व्यक्ति नहीं मानेगा तो जैसे डिक्री को एग्जीक्यूट किया जाता है, जैसे न्यायालय एग्जीक्यूट करवाती है, न्यायालय निष्पादन कराती है, ठीक उसी प्रकार कंसीलिएशन का जो सेटलमेंट होता है वो न्यायालय द्वारा एग्जीक्यूट करवाया जाता है। सो इट इज ऑल अबाउट डिफरेंस बिटवीन मीडिएशन एंड कंसीलिएशन। आई होप आपको समझ में आया होगा, मीडिएशन और कंसीलिएशन विवादों को निपटारा करने की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रणाली है और आजकल इस पर बहुत अधिक ध्यान दिया जा रहा है। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल लॉ इजी।